हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेस सिबीगंज बरेली में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ होता है। और ये क्या होते हैं, तो जैसे कि कल हमने देखा था, ये पॉलीमर होते हैं। कौन से पॉलीमर होते हैं? ये अमीनो एसिड्स के होते हैं। अमीनो एसिड्स पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड्स के। और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक अमीन ग्रुप साथ ही साथ एसिड है तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हमने इनके अमीनो एसिड्स के जो टाइप्स थे वो भी देखे थे। तो यहां पर जो पॉलीमर है वो अमीनो एसिड के तो है, लेकिन कौन से अमीनो एसिड? तो यहां पर जो अमीनो एसिड होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड। ये कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? जब हम ये कोई भी अमीनो एसिड लिखते हैं तो उसमें हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप को राइट साइड में और इस साइड में लेफ्ट साइड में एमीन ग्रुप। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पर ये है ग्लाइसिन, तो इसमें NH2 लेफ्ट साइड में है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप वो राइट साइड में। तो जब कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच कोई कार्बन एटम है बिल्कुल इसके नेबर वाला एटम, इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इससे अगर सीधे डायरेक्टली अमीन ग्रुप अटैच्ड है तब ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरह से जब एसिड जो अमीनो एसिड हैं उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप के पड़ोस वाला नेबर वाला कार्बन एटम से एक और कार्बन एटम यहां पर अटैच्ड है तब उससे ये अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये पहला वाला जो कार्बन एटम है ये कहलाता है अल्फा कार्बन और दूसरा वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। और चूंकि बीटा कार्बन से अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं क्या, यहां पर बीटा अमीनो एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हो जाएगा यहां पर गामा अमीनो एसिड, नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। लास्ट वीडियो में हमने इनके जो नेमिंग का सिस्टम है ये भी देखा था कि इनका जो नेम है वो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर इनको कहां से सिंथेसिस किया गया है उसके हिसाब से दिया जाता है। जैसे बात करें हम ग्लाइसिन की, यहां पर ये ग्लाइसिन है तो इसमें ग्लाइसिन में जो अमीनो एसिड है इसका ग्रीक भाषा में जो नेम होता है वो ग्लाइकोस, जिसका मीन होता है सुगर। इसका मीन है कि जो ग्लाइसिन है वो टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है, सुगर की तरह होती है, इसीलिए इसका नेम ग्लाइसिन हो गया। इसी तरह से एक और था टायरोसिन, वो किससे फाइंड किया गया था, चीज से, पनीर से, और ग्रीक भाषा में उसे हम टायरोस कहते हैं इसीलिए उसका नाम हो गया टायरोसिन। अब इनके थ्री नेमिंग जो थ्री लेटर नेमिंग है वो किस तरह से दिए जाते हैं, इनके फर्स्ट थ्री लेटर जैसे GLY, तो इसका हम ग्लाइसिन को लिख सकते हैं GLY।
वाई। ऐसे ही टायरोसिन, टायरोसिन के लिए टी वाई आर। इसी तरह से हमने इनके वन लेटर नेमिंग को भी देखा था। ग्लाइसिन को जी से डिनोट किया जाता है, टायरोसिन को टी से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, तो अब तक जो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो कितने हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड, जो हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत ही आवश्यक है, जिनसे ये प्रोटीन का निर्माण होना है। एसिड के क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड का वर्गीकरण, तो हम इन्हें दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। दो बेस हैं, कौन कौन से, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, उनकी कैसी नीड है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनकी कैसी प्रकृति है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं नेचर के बेस पर, कौन कौन से। सबसे पहला आता है एसिडिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। इन्हें हिंदी में कहते हैं एसिडिक को अम्लीय अमीनो अम्ल, इसे क्षारकीय अमीनो अम्ल, न्यूट्रल इसे कहते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। अब ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एसिडिक अमीनो अम्ल, ये ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें, जो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, एसिड। मीन्स जो एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा रहे, मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप की जो नंबर है वो कैसी रहे, ज्यादा रहे। तो यहां पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो कैसे रहेंगे, ज्यादा रहते हैं किन से, NH2 ग्रुप से। तब ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। बात करें बेसिक अमीनो एसिड की, तो ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें अमीन ग्रुप की नंबर्स ज्यादा होती है किन से, कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर से। ऐसे अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे, बेसिक अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि यहां पर जो अमीन ग्रुप होता है वो कैसा होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, तो बेसिक करैक्टर इसमें ज्यादा है और जो एसिडिक करैक्टर है वो कैसा रहता है, कम रहता है। बात करें न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो ये कैसे होंगे, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीन ग्रुप्स और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम उदासीन अमीनो एसिड कहते हैं। बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले उदासीन अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख लेते हैं, जैसे ग्लाइसिन, अभी अभी हमने देखा था ग्लाइसिन NH2CH2COOH, इसमें यहां पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, तो यहां पर ये दोनों बराबर बराबर में है, बराबर बराबर अमाउंट में है, तो ये किस टाइप का हो गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो बेस है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि हमें जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं उन्हें
नीड किस किस की है? तो ये दो टाइप्स में अगेन डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल, इसे हिंदी में कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल, और नॉन इसेंशियल्स को हिंदी में कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब ये क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है इसेंशियल अमीनो एसिड मीन जिनके हमें नीड बहुत ज्यादा होती है और ये हमको क्या करने हैं, बाहर से लेने हैं। तो वो हम कहां से लेते हैं? जो भी हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, उनके द्वारा इन अमीनो एसिड को फाइंड कर लेते हैं। दूसरा टाइप है अनावश्यक अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही संरक्षित रहते हैं और जब इनकी नीड होती है तो वो हमारी बॉडी खुद ही गेन कर लेती है, हमें बाहर से इसको लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे अमीनो अम्ल को हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं या हिंदी में अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हमने 20 अमीनो अम्ल पढ़े थे तो उनमें से जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उनमें कौन कौन से हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनीन, फेनिल एलानीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफेन, वैलीन, आर्जेनीन और हिस्टिडीन। ये 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, और अगर ये किसी कारणवश हमें मिल नहीं पाते हैं तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्वासियोरकर, वो हो जाती है, या जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। अगला है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या अनावश्यक अमीनो अम्ल। बाकी के जो 20 हमने यहां पर अमीनो एसिड पढ़े थे तो उनमें से जो 10 अमीनो एसिड रह गए हैं वो कैसे होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारी बॉडी खुद ही संश्लेषित कर लेती है, सिंथेसिस कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहला है ये अमीनो एसिड के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई होते हैं। नेक्स्ट, ये जो वाटर है उसमें सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो अद्रव्य विलायक होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं, मींस नहीं घुलते हैं। तीसरा है, मतलब नेक्स्ट है, जो अमीनो एसिड हैं वो हमने देखा था अभी थोड़ी ही देर पहले कैसे थे, कुछ जब हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया था तो 3 टाइप्स में उनको कैटेगराइज कर रहे थे। कौन कौन से? सबसे पहला था एसिडिक, नेक्स्ट था बेसिक और नेक्स्ट था न्यूट्रल। तो सामान्य अवस्था में, अगर सामान्य है उस अवस्था में तो ये न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जब इनका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में इनको घोलते हैं, तो उस टाइम में ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। इसका मीन क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं
उभय धर्मी प्रकृति या व्यवहार, उभय धर्मी व्यवहार किस तरह से शो करते हैं देखते हैं। तो किसी भी, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइसीन है जिसका फार्मूला होता है NH2CH2COOH। तो हमने पहले ही ये देखा है जो NH2 है वो किस तरह का होता है, वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, मींस ये जो एंड है वो कैसा है, बेस है। इसी तरह से जब हम इस एंड को देखेंगे तो वो किस टाइप का है, ये एसिडिक करेक्टर को शो करता है, मींस ये एसिड है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन को लॉस करना, यहां से एच एन को क्या करना, यहां से लॉस करना। तो जब ये लॉस करेगा तो ये एसिडिक करेक्टर को यहां पर शो कर रहा है। दूसरा इस तरफ यही जो बेस है वो क्या कर लेते हैं, इनको जो एच एन है उन्हें क्या करते हैं, यहां पर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये किस तरह से बना लेते हैं, NH3+CH2COO-, जो कि एक ज्यूटर आयन होता है, ज्यूटर आयन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।